दोस्तों आज के इस वीडियो में इंडियन आइडल 12 की रनर अप अरुणिता कांजीलाल की लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने इस मौकम को हासिल की है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी अरुणिता की सिंगिंग को पसंद करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर दे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अरुणिता की बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों अरुणिता की फुल नेम अरुणिता कांजीलाल और इनकी निकनेम अरु, और वो पेशे से एक सिंगर है। दोस्तों अरुणिता की जन्म 18 जनवरी साल 2003 सैटरडे को कोलकाता वेस्ट बंगाल की बनगांव में हुआ था, और 2022 के अनुसार अब 19 साल की हो गई है। दोस्तों अरुणिता की पिताजी अग्निभूषण कांजीलाल जो कि प्रोफेशन से एक प्रोफेसर है, और उनकी माताजी शर्वानी कांजीलाल जो कि प्रोफेशन से एक होममेकर है। दोस्तों अरुणिता एक इंटरव्यू के दौरान कही थी कि वो अपनी पेरेंट्स से बेहद प्यार करती है, क्योंकि उनकी पेरेंट्स ही है उनकी सबसे करीबी दोस्त जिनके साथ वो अपनी मन की सारी बातें शेयर कर सकती है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अरुणिता कांजीलाल की फिजिकल स्टेटस के बारे में। अरुणिता की हाइट है 155 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 2 इंच, और इनकी वेट है 50 किलोग्राम। दोस्तों अरुणिता की आई कलर है ब्लैक और उनकी हेयर कलर भी ब्लैक है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि अरुणिता कांजीलाल की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। दोस्तों अरुणिता ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है एसटी जेवियर्स स्कूल कोलकाता से, और इसके बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की है कोलकाता यूनिवर्सिटी से आर्ट्स सब्जेक्ट में। दोस्तों अरुणिता की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलकाता यूनिवर्सिटी। दोस्तों आप बात करेंगे अरुणिता कांजीलाल की मैरिटल स्टेटस के बारे में। सूत्रों के अनुसार अरुणिता कांजीलाल अभी भी अनमैरिड है, लेकिन अब चारों तरफ और सोशल मीडिया पे अरुणिता और पवनदीप की अफेयर्स की न्यूज चर्चे में है। दोस्तों ये भी सुना जा रहा है कि ये दोनों अपनी एंगेजमेंट बहुत जल्दी करने वाली है, और तो और दोस्तों ये जोड़ी बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रही है। दोस्तों इंडियन आइडल 12 की विनर बनी थी पवनदीप राजन, लेकिन जब भी कोई पार्टी में पवनदीप जाती है तो उनके साथ अरुणिता कांजीलाल भी नजर आती है, और इससे ही दोस्तों आप उन दोनों के बीच की रिलेशन की गहराई की पता लगा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अरुणिता कांजीलाल की करियर के बारे में। दोस्तों अरुणिता जब 4 साल की थी तब से ही सिंगिंग के प्रति उनकी लगाव थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 4 साल की उम्र से ही सिंगिंग करना शुरू कर दी थी, और अपनी बेटी के इस टैलेंट के बारे में जानने के बाद उनकी पेरेंट्स ने उनको सिंगिंग एकेडमी में एडमिशन भी कर दी थी। सिंगिंग एकेडमी के अलावा अरुणिता घर में अपनी मम्मी से भी सिंगिंग की ट्रेनिंग लेती थी। दोस्तों अरुणिता ने अपनी लाइफ में पहली बार बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो सरेगामापा लिल चप्स में भी हिस्सा ली थी, और अपनी मेहनत के दम पे वो उस सिंगिंग रियलिटी शो की विनर भी बन गई थी। जी हाँ दोस्तों, अरुणिता कांजीलाल बंगाली सिंगिंग रियलिटी शो सरेगामापा लिल चम्स की विनर है, और इसके बाद उन्होंने हिंदी सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 में पार्टिसिपेट की, और उन्होंने अपनी बेहतरीन सिंगिंग से जजेस की दिल भी जीत ली। दोस्तों अरुणिता की गाने की तारीफ बप्पी लहरी खुद की थी उस रियलिटी शो की सेट पे आके। दोस्तों अब बात करेंगे अरुणिता कांजीलाल की कुछ फेवरेट थिंग्स एंड हॉबीज के बारे में। अरुणिता कांजीलाल की हॉबीज है सिंगिंग करना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, ट्रैवलिंग करना। अरुणिता की फेवरेट सिंगर है लता मंगेशकर, श्रेया घोषाल एंड सुनिधि चौहान, और उनकी फेवरेट कलर है पिंक। और अगर बात करें फेवरेट फूड की तो वो है बिरयानी। तो दोस्तों ये थी अरुणिता कांजीलाल की लाइफस्टाइल वीडियो। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दे इस वीडियो के लिए। दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।